हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ NRC, जो कि देश में काफ़ी अभी हाईलाइटेड इशू है। तो मैं सोचा कि इस पर छोटा सा वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि NRC है क्या। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि NRC मैं आपको बता दूँ कि ये इंडिकेट करता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अगर मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब होता है कि जो आसाम में इंडियंस जो रह रहे हैं उनकी एक तरह की लिस्ट है, वो उनको ये आइडेंटिफाई कराती है कि आप वहाँ के लोकल रेजिडेंस हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं। मैंने हाईलाइट्स के माध्यम से कवर कर रखा है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं, बताता हूँ मैं आपको आखिर है क्या। और चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ कि आखिर ये NRC की का जो जिक्र अभी इंडिया में हो चल रहा है, ये इसका जिक्र कोई पहली बार नहीं चल रहा है। इसकी सबसे पहले इसकी मांग जो हुई थी वो NRC की, वो 1951 में शुरू हुई थी। इसके बाद 2005 में भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर एक बैठक हुई थी जिसमें ये डिसाइड हुआ कि NRC होनी चाहिए। फिर 2009 में इसमें एक सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया गया, जो कि एक निगरानी के रूप में है। फ्रेंड, इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक चार्टर जारी किया जो कि लीगल माइग्रेंट्स को लेकर थी। ये लीगल माइग्रेंट्स कहाँ से थे? तो ये लीगल माइग्रेंट्स फ्रेंड बांग्लादेश के थे, जो बांग्लादेश लिबरेशन के टाइम पे बांग्लादेश को छोड़कर हमारे देश में आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई। बाद में वहाँ के लोगों में एक जान आक्रोश हुआ और वहाँ के लोगों में आक्रोश होने के बाद वहाँ 6 साल का एक काफ़ी लंबा आंदोलन भी है इसकी हिस्ट्री में। तो फ्रेंड, गवर्नमेंट ने इसके बारे में बताया कि जो बांग्लादेश का जो लिबरेशन डेट था, दैट वॉज 25th मार्च 1971। यदि आप 25th मार्च 1971 के बाद यदि आप इंडिया में आए हैं तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। आप इलीगल हैं, इलीगल रूप से आप यहाँ पे आए हैं। और इसी बेस पे एक लिस्ट जारी की गई है अभी 31st अगस्त 2019 को। तो आइए फ्रेंड, हाईलाइट के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फाइनल लिस्ट ऑफ आसाम NRC रिलीज हो चुकी है 31 अगस्त को। ओवर 19 लाख पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम NRC, 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। फ्रेंड, ये एक्सक्लूड कितने में से किया गया, इसको ये भी जानने की ज़रूरत है। तो टोटल 3.29 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था NRC लिस्ट के लिए, जिसमें से 3.11 करोड़ लोगों को शामिल कर लिया गया है लिस्ट में। और इसमें से 19 लाख लोग जो बच गए हैं वो कि एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। यदि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाते हैं तो उनको फाइनली अपने नेटिव कंट्री बांग्लादेश जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया है। चलिए फ्रेंड, मैं पढ़ भी देता हूँ। मोर देन 19 लाख पीपल इन आसाम हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल वर्जन ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम दैट वाज रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट टुडे। टुडे मीन्स 31 अगस्त की बात हो रही है। ए टोटल ऑफ 3.29 करोड़ पीपल हैड अप्लाइड फॉर NRC, आउट ऑफ विच 3.11 करोड़ मेड इट द फाइनल लिस्ट। 3.29 करोड़ लोगों ने NRC के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से कि 3.11 करोड़ लोगों को NRC लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। मतलब उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी गई है, उनको इंडिया की सिटीजन्स मान लिया गया है। जो कि 19 लाख लोग बच गए जो कि अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाए हैं, उनको इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनको ही इलीगल माइग्रेंट माना गया है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज स्टिल डेट द बिगेस्ट ड्राइव टू वेरीफाई सिटीजन्स इन इंडिया। NRC एक बिगेस्ट ड्राइव है गवर्नमेंट की तरफ से सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को फाइंड आउट करने के लिए और इलीगल माइग्रेंट्स को भी। इट इज़ एम्ड एट आइडेंटिफाइंग इलीगल इमिग्रेंट्स हु इंटर्ड एंड सेटल्ड इन आसाम प्राइमरली फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर 25th मार्च 1971 एंड डिपोर्ट देम टू देयर नेटिव कंट्री। फ्रेंड, जैसा कि पता है कि 25th मार्च 1971 जो कि बांग्लादेश लिबरेशन की तारीख है, जो कि पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था, जब वहाँ के लोगों में काफ़ी वहाँ पे जब अपने आज़ादी के लिए फाइट करना शुरू किया तो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ। बांग्लादेश लिबरेशन 25th मार्च 1971 को शुरू हुआ। उसके बाद जब बांग्लादेश में जब इस तरह का सिचुएशन शुरू हुआ तो वहाँ से लोग उस कंट्री को छोड़कर इंडिया की तरफ भागे और इंडिया में आकर आसाम में सेटल हो गए। और इसलिए इस लिस्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ी कि क्योंकि वो बांग्लादेश अपने कंट्री को छोड़कर हमारे देश में आए थे, जिसे कि इलीगल कहा गया। NRC स्टेट कोऑर्डिनेटर जो कि अभी प्रतीक हजेला साहब हैं, उन्होंने कहा है कि 3,11,21,004 पीपल हैव बीन फाउंड एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन इन द फाइनल वर्जन ऑफ NRC। इतने लोगों को शामिल करने की बात कही गई है, 3,11,00,000 लगभग लोगों की, और लगभग 19 लाख लोग जो हैं जिसको कि एक्सक्लूड कर दिया गया इस लिस्ट से। दोज
अच्छा फ्रेंड्स, जो अब गवर्नमेंट ने बताया है कि 19 लाख लोग जिसको गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया है, उनका क्या होगा? तो उनके लिए गवर्नमेंट फ्रेंड्स चलिए आइए नीचे देखते हैं। दोज नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम कैन फाइल अपील बिफोर द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल। यदि ये 19 लाख लोगों को गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ वेरिफिकेशन के लिए अपील करने की बात कही है, चलिए आइए और नीचे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हाट अबाउट दोज एक्सक्लूडेड, उनका क्या जो कि एक्सक्लूड कर दिए गए हैं? एनी पर्सन हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ एनआरसी कैन फाइल अपील बिफोर द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल विद इन 120 डेज। यस फ्रेंड, 31 अगस्त 2019 को ये लिस्ट जारी की गई है, वहाँ से 120 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको। यदि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो शामिल करवाने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉरेन ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना पड़ेगा और आपको वहाँ इंडिया की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। यदि आप 120 डेज़ के अंदर वेरीफाई कराने में यदि आप सक्षम नहीं हो पाते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा आपके नेटिव कंट्री। चलिए आगे देखते हैं। इनकेस समवन इज अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल, यदि इनकेस आप इसके फॉरेन ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप यू कैन अप्रोच गुवाहाटी हाई कोर्ट और इवन द सुप्रीम कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। Meanwhile, those who are decided as illegal migrant by the foreign tribunals will be taken to the detention camps and locked therein until their deportation to their native country. Government ने बताया friend कि ये अगर आप proper time frame के अंदर यदि आप अपने आप को अपने citizenship को India की citizenship लेने में अगर नहीं सक्षम नहीं हो पाते हैं तो आपको government एक detention camp में रखेगी और वहाँ से finally आपको आपके native country deport कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यकीन है कि छोटा सा वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प दे पाएगा एनआरसी को समझने में। थैंक यू फ्रेंड्स।